गुड मॉर्निंग भाई लोगो। आज सुबह के कितने 9 बज गए होंगे ना संजय, तो 9 के अराउंड टाइम हो गया। और आज सुबह सुबह उठे, उठते के साथ में दो शहीद जो इस कट्टे के अंदर डले हुए हैं वो बिल्कुल घर के बगल वाली गली में हमारे को मिल गए। तो अब हम लोग आए उनको शहीदी देने के लिए, मतलब समझ ही गए होगे यार हाथ में कसी है। तो भाई अगर वो वैसे गली में रहते तो मेरे को नहीं, तो यार आने जाने वालों को दिक्कत होती, क्योंकि आपको पता है कि जब देखता तो नहीं है लेकिन यार वो वैसे भी बदबू मारने लग जाते, तो हो सकता है यार कोई इस वीडियो को देख रहा हो वहीं से जा रहा तो वो गाली देता। तो भैया लोगों की गाली से बचने के लिए फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो हम लोग ही जाके इनको शहीदी दे के आते हैं। तो अभी इनकी शहीदी का काम शुरू करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे को खोदना खड्डा, इसके अंदर दो छोटे छोटे शहीद हैं जो शायद रात को ठंड की वजह से प्यारे हो गए भगवान को। नमक हम लोग लेके आए हैं, ऊपर डाल देंगे ताकि थोड़ा जल्दी गल जाए। अभी संजय स्टार्टिंग करेगा, उसके बाद में थोड़ा सा मैं टाइम लगाऊंगा। तो चलिए दिखाते हैं आपको आज इनकी शहीदी का प्रोग्राम। भाई दो जवान शहीद हुए थे सुबह, मतलब के नमक डालने का मेजर कंसर्न नहीं है कि इनकी हड्डियां जल्दी गलना शुरू कर दें। दूसरे जो मांसाहारी जानवर है वो उनको खोद देना, अगर वो अपने पंजों से खुदाई करेंगे तो ये लकड़ियां कांडे चुभेंगे इनको। अभी मैं आपको ना एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ जो कि सिर्फ हमारे एरिया में देखने को मिलेगी। ये आप देख पा रहे हो, ये पूरा पानी बह रहा है यहाँ पे बिल्कुल, और इसके दोनों तरफ है टीले, मतलब रेगिस्तान। तो शायद आपने ऐसी यूनिक जगह कहीं नहीं देखी होगी जो चीज़ हमारे एरिया में है। ना तो हम राजस्थानी हैं ना हम हरियाणवी, हम मिडल में आते हैं, मतलब 10 किलोमीटर चलो राजस्थान शुरू, गांव से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जाओगे आपको राजस्थान मिलेगा, 10 किलोमीटर इधर आओगे आपको हरियाणा स्टार्ट हो जाएगा। सो ये सबसे यूनिक एक जो चीज़ है वो है हमारे पास में, और हमारी जो भाषा है मतलब जो हरियाणवी है उसमें ना तो आपको जैसे पूरा सोनीपत का फील आएगा ना राजस्थान का आएगा, मिक्स है। मतलब हमारी लैंग्वेज ऐसी है कि राजस्थान वाले भी हमारे को ईजीली से समझ लेते हैं, कैप्चरिंग कर लेते हैं, और यही मतलब हरियाणा में अगर हम जाते हैं रोहतक साइड में तो वहाँ भी कैप्चरिंग हो जाती है, और ऑलमोस्ट जिस काम के लिए आए थे वो फिनिश हो गया है। सो लेट्स गो, अब चलते हैं घर। भाई पेट पूजा का टाइम हो गया, थोड़ी कसी चला के, ये कि ये भी थोड़ा सा हार्डवर्क ही होता है। सो सांस चढ़ गया थोड़ा सा, बट कोई नहीं, ये काम करके अच्छा लगा।
तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको भी ऐसा मिलता है यार, कोई बड़ी बात नहीं है, हमारा 10 से 15 मिनट जाता है, एक 10-20 रुपए की नमक की थैली लगती है, तो इतना निकाल के आप लोग कर सकते हो। सो होप करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट धमाकेदार व्लॉग्स में, तब तक के लिए गुड बाय।